दीपावली पर बोनस नहीं मिलने को लेकर चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सेक्टर 32 के कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ में रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें हर वर्ष दीपावली पर प्रशासन की तरफ से बोनस दिया जाता है, लेकिन जो कोरोना के बाद से बंद किया गया अभी तक नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों का मानना है कि कोरोना काल में हम सभी ने मिलकर मरीजों की देखभाल की, उनकी सेवाएं की थी। आज हॉस्पिटल प्रशासन हमारे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है जो कि सही नहीं है। कर्मचारियों ने हॉस्पिटल प्रशासन से बोनस की मांग की है। सर, आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जीएमसीएच एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जो कि अस्पताल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी वर्कर हैं, ये उन वर्करों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, हमारी जो इसमें आज प्रदर्शन करने का जो मकसद है सर, रीज़न है, वो ये है सर कि वर्करों की काफ़ी लंबे समय से कुछ लंबित मांगे पड़ी हैं सर, जिनकी ओर अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अस्पताल मैनेजमेंट को समय समय पर वो मांगे लिख के भी दे जा चुकी हैं सर। और अभी जो मुख्य मांग है हमारी, वो मुख्य मांग ये है कि दिवाली आ गई है और ये गरीब वर्कर जिनका हक राइट बनता है सर बोनस का, इन वर्करों को पिछले कुछ सालों से, जब से कोविड शुरू हुआ है 2019 से सर, ये बोनस बंद कर दिया गया था। देश हित में सर हमने ध्यान रखते हुए इसकी मांग भी नहीं की, लेकिन अब जब कोरोना काल चला गया, कोविड में हमने जीत हासिल कर ली है, तो